हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी यूज़फुल हैक, एक ऐसी DIY जिससे कि आपके पैसे भी सेव होने वाले हैं और आपकी स्किन पे ग्लो भी आने वाला है। तो जैसे हम ये शीट मास्क आजकल सभी यूज़ करते हैं, ये देखिए हिमालय का है और ये रीयूजेबल शीट मास्क है। मतलब इसको हम आराम से इसको 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं जब तक इसके अंदर सीरम अवेलेबल होता है। ये हमको मिलती है 75 रुपीज़ की, एक पैकेट मिलती है जिसमें 1 शीट होती है। 75 रुपीज़ में हम सिर्फ 2 से 3 बार ही इसका जो शीट हो सीरम और जो शीट होता है वो यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद ये फुल वेस्टेज हो जाता है, सब लोग इसको फेंक देता है। आज मैं इसी का ही आपको रीयूज़ बताऊँगी, एक ऐसी DIY बताऊँगी जिससे कि आप इस शीट को आप वापस से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने ये शीट यूज़ की हुई है, ये पहले से ही ओपन है, ठीक है। और ये रही मेरी शीट, इसको जब इसका सीरम ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको अपने रेगुलर सोप से वॉश करके इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये देखिए ये रहा हमारा शीट मास्क, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से सुखा करके रख लिया है फोल्ड करके। अब आपको क्या करना है, अब आप जब ये शीट आपकी जब ओवर हो जाए, इसका सीरम ओवर हो जाए, तो आप ये पैकेट और ये शीट फेंके नहीं, आप इसको अच्छे से अपने फेस वॉश या जो भी आप सोप यूज़ करते हैं उससे वॉश करके इसको ड्राई करके आप अपने पैकेट में ही रख लें। इसमें रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी पैकेट के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा लेमन। ये देखिए लेमन जूस गया अंदर थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा लेमन जूस मत डालिएगा क्योंकि वो जितना उसका एब्जॉर्प्शन होता है बस उतना ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं तो लिक्विड बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और ये है एलोवेरा जेल, इसमें हम डाल देंगे ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल। अब हमको क्या करना है, इसको अच्छे से ऐसे से मिक्स करना है ताकि जो भी हमने इंग्रेडिएंट अंदर डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरे शीट में वो अच्छे से अप्लाई हो जाए। ये देखिए हमारे शीट में ये अच्छे से अप्लाई हो गया है, वो चिपक गई है एकदम, मतलब जो एलोवेरा जेल और लेमन मैंने डाला था वो अच्छे से सोक हो गया है। अब हमको क्या करना है, अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी लगा नहीं रखा है तो मैं डायरेक्ट अभी अप्लाई करूँगी। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लें तब ऐसे शीट मास्क को यूज़ करें। अब पहले करते हैं अपने हेयर को टाई, ये कर लिया है मैंने अपने हेयर को टाई, मैंने एक बना लिया है बन। अब यूज़ करते हैं ये शीट मास्क। ये देखिए ये पूरा ऐसे ये सोक हो गया है, इसको अच्छे से शीट में अप्लाई कर लेना है। ये देखिए मैंने जो एलोवेरा जेल लगाया था और लेमन लगाया था ये पूरे शीट पे ये अच्छे से हो गया है। अब इसको लगाते हैं अपने फेस पे। अब आपको क्या करना है, ये इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और फिर अपने फेस को कर लेना है वॉश। जब आप लेमन ऐसे डायरेक्टली फेस पे लगाते हैं तो वो पूरा ऐसे ऐसे गिरने लगता है फेस पे से, अगर आप ऐसे शीट पे करके लगाएंगे तो वो जो लेमन का एक्सट्रैक्ट रहेगा वो आपके फेस पे एग्जैक्ट बना रहेगा और आपके स्किन में वो एक ब्राइटनेस ले आएगा। लेमन को लेमन विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि हमारी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करती है। अब हमने फिंगर टिप से हल्की हल्की सी मसाज देते रहें। तो मिलते हैं अब 15 मिनट बाद। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने अपना मास्क उतार लिया है। अब जो आपके फेस पे जो एक्स्ट्रा सीरम बचा हुआ है, जो एलोवेरा जेल और लेमन जूस बचा हुआ है,
आप उसको ऐसे ऐसे फिंगर टिप से रब करके अपने फेस पे पूरा उसको अच्छे से सोक करा लें। देखिए कितनी अच्छी सी एक शाइन आ रही है फेस पे। आप इसको डेली यूज़ करिए, शीट मास्क तो डेली भी यूज़ किया जा सकता है, तो इससे आपको कोई भी बैड इफ़ेक्ट आपको नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आप एलोवेरा जेल और लेमन का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो आप ऐसे ही उसको अपने फेस पर सोक करा के आप उसको छोड़ दीजिए। एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ग्लो आने वाला है आपकी फेस पर। तो ये DIY अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।